हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने का एक स्पेसिफिक प्रोसेस क्या है, आप क्या किस तरह का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया था, आज हम एक प्रोसेस की बात करेंगे कि एक प्रेजेंटेशन अगर हमने बनाना है तो उसको किस तरह से हम बना सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, क्रिया क्या है, चरण दर चरण स्टेप्स क्या है, उसके बारे में हमारा ये वीडियो है। सो फ्रेंड, जैसे आपको मालूम है, आई होप आपने ये आर्टिकल पढ़ लिया होगा, तो इसमें प्रोसेस दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। जिन लोगों को मुश्किल है ये इंग्लिश में पढ़ने में, या वो जो रीडिंग नहीं करना चाहते, उनके लिए क्विकली या प्रैक्टिकली वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं एक प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मेरे को लगता है कि ये प्रोसेस इज अ गुड प्रोसेस, इजी टू फॉलो, एंड इसको इस प्रोसेस को कोई भी फॉलो कर सकता है, वेरी सिंपल। सो फ्रेंड, जैसे आपको मालूम है कि प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, एक स्टूडेंट से लेकर एक लीडर तक, बिजनेसमैन से लेकर एक हाउसवाइफ तक, सभी को कुछ ना कुछ कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रेजेंट करना पड़ता है। So, प्रेजेंटेशन होता क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मैंने बेसिक्स में कवर किया था लास्ट वीडियो में, बट यहां मैं आपके सामने बता दूं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल में चलेंगे। प्रेजेंटेशन एक स्किल है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोफेशनल स्किल। प्रेजेंटेशन यूज टू कम्युनिकेट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली विद द ऑडियंस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड जो आपको लग रहा है, कुछ भी ऐसा जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको समझाने में मुश्किल है, जिसके लिए आपको बहुत अधिक समय लग जाएगा अगर आप उसको कम्युनिकेट करेंगे, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाना जरूरी रहता है, क्योंकि उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर हमने उस कंटेंट को डिलीवर करना है एंगेजिंग तरीके से, बिकॉज उसके लिए हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। गूगल स्लाइड भी है और भी सॉफ्टवेयर्स है, इसमें डिटेल मैंने आपको दी है। प्रेजेंटेशन एंगेजिंग बनती है, प्रेजेंटेशन से वो कंटेंट जो है वो डिलीवर करना इजी हो जाता है, ऑडियंस को कन्विंस करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स एंड वीडियोस का इस्तेमाल करेंगे, एंड देन दैट कंटेंट बिकम एंगेजिंग। इसके अलावा पावर पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इसमें आप एक्सेल चार्ट, यूट्यूब वीडियोस एटसेट्रा, सब सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट से लेकर, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप क्या बनाने जा रहे हैं, किस तरह का प्रेजेंटेशन बनाना है और क्यों बनाना है। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं पावर पॉइंट, ये हमारा सब्जेक्ट है पावर पॉइंट, सॉरी प्रेजेंटेशन प्रोसेस हम करते हैं इसको, एंड क्रिएटेड बाय। सो ये हमने बनाया प्रेजेंटेशन प्रोसेस। अच्छा, क्यों मैं बना रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए मेरे को ये समझाना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, या आपको ये समझना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, तो प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको वो समझना आसान हो जाएगा। वो चाहे हम वीडियो प्रेजेंटेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप हमारे चैनल पे जाए, क्लाइंट सॉल्यूटेक पे जाए, एंड वहां पर आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन क्यों, किस तरह की मैं बात कर रहा हूं। ये एक वीडियो मैं दिखाता हूं आपको। नाउ एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में मैंने यूजर्स एक प्रेजेंटेशन बनाई, फिर इसको मैंने एज अ वीडियो सेव किया। नाउ यू कैन सी दैट ये पूरा जो पूरा कंटेंट मूव कर रहा है, ये एनिमेशन इफेक्ट है, ये पावर पॉइंट पे बना है, ये पूरा जो ट्रांजिशनल इफेक्ट है, उसके बाद ये जो पल्स का इसमें इफेक्ट आया, वो सारा ये जूम इफेक्ट है, जो जूम आउट हो रहा है, एंड ये वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट एंटर हो रहा है, ये प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया गया है, एंड प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाने में या इसको इसमें पॉइंट आउट किया गया है, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि कम्युनिकेशन के और लर्निंग के अलग अलग तरीके है, अलग अलग आयाम है, कोई वीडियो से सीख सकता है, तो कोई रीडिंग से भी सीख सकता है, तो किसी को वीडियो ट्यूटोरियल से भी नहीं चीज आएगी, तो या वीडियो ट्यूटोरियल से ज्यादा समय लगेगा तो वो डायरेक्ट क्लासेस लेगा, तो इस तरह से चीजें होती है। कॉन्सेप्ट है कि आपके पास क्या कॉम्प्लिकेटेड है, क्या चीज कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपका ऑडियंस है उसको जो आपने समझाना है वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, वो सब डिफाइन करता है आपका कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है कंटेंट्स, टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट, ऑडियो, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, अब हमारे को फोटो भी इससे रिलेटेड चाहिए प्रेजेंटेशन का। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया कि ये एक प्रेजेंटेशन है, एक वीडियो प्रेजेंटेशन है जिसको फिर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तो उसी तरह का एग्जांपल दिखाना पड़ेगा। प्रोसेस के लिए हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस चीज को पिक्चराइज करना था, तो मैंने यहां पर क्या यूज किया, एक इमेज यूज किया। ये इमेज में एक प्रोसेस दिखाई दे रहा है, ये स्टेप है 1 2 3 4 5 6, और ये सेंट्रल आइडिया है, ये मेन आइडिया है। अब मान लीजिए इस लाइट बल्ब की जगह आप इसको प्रेजेंटेशन समझो, एंड प्रेजेंटेशन के नंबर 1 पे आप यहां ले लो कॉन्सेप्ट, नंबर 2 पे ले लो आप जो ये कंटेंट है, और नंबर 3 पे ले लो आप सिलेक्शन ऑफ टूल, नंबर 4 पे ले लो आप प्रेजेंटेशन ऑफ क्रिएशन प्रोसेस, मतलब जो प्रैक्टिकल करना है कि ऐड कंटेंट टू स्लाइड। सो ये करके हमने मैंने एक उसको पिक्चराइज करने की कोशिश किया है कि एक प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, एक क्रिया की बात कर रहा हूं, जो चरण दर चरण है, पहले ये होगा,
या आप ये भी कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी को पहले पावर पॉइंट आता हो, प्रेजेंटेशन उसको बाद में समझ आया हो, लेकिन हो सकता है किसी को प्रेजेंटेशन ऑलरेडी पता हो, उसको सिर्फ पावर पॉइंट जानना है। हो सकता है किसी को प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट दोनों पता है, लेकिन उसको जानना है कि एनिमेशन इफेक्ट कैसे देने हैं। किसी को यह भी पता है लेकिन उसको जानना यह है कि उसको वीडियो में कैसे सेव करना है, ये हो गया। लेकिन अगर किसी को यह जानना है कि उसको इवेंट में कैसे डिलीवर करना है, मीटिंग में कैसे डिलीवर करना है, तो हरेक का एक एक चरण दर चरण क्रिया है, जिसको मैंने इन विभिन्न रूपों में यहां पर उल्लेखित किया है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको स्टडी करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा मिलेगा, और मैंने बताया है, कई बार भूल भी जाऊं बताना आपको तो आप जरूर चेक कर लिया करें, क्योंकि डिटेल्ड में फिर ना मजा ही कुछ और है। सो कंटेंट में आता है कि हमने क्या क्या इंक्लूड करना है, प्रेजेंटेशन में हमने क्या क्या इंक्लूड, कौन सी इमेजेस यूज करनी है, किस तरह का चार्ट यूज करना है, ऑडियो यूज करना है कि नहीं यूज करना है, एंड वीडियो इस्तेमाल करना है या कोई इंफोग्राफिक्स यूज करनी है, वो सारी चीजें हम चेक करते हैं। नाउ इसमें ये चीज आती है कि हमने क्या क्या कंटेंट यूज करना है। नाउ अब इसके अंदर कंटेंट को ऐड करने के लिए हमारे पास सिंपल प्रोसेस है, वो जो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल भी बताया है, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप नया स्लाइड लिया कंट्रोल एम से, या आप राइट क्लिक करके न्यू पे जाओ, वहां से आ जाएगा। अब यहां पे क्लिक कर दिया, इधर देखो अलग अलग करके ऑप्शन आ रही है। यहां पहले पे लिखा हुआ ऑनलाइन पिक्चर, दूसरे पे लिखा है पिक्चर्स, और यहां लिखा इंसर्ट एन आइकन, और अलग अलग है। स्मार्ट आर्ट की एक प्रोसेस, मैं इस पर क्लिक करता हूं, एक प्रोसेस का हम यहां से ले लेते हैं स्मार्ट आर्ट। ये एक क्रिया हमने दिखा दी, ये स्टेप वन है, इस तरह से ये स्टेप वन है जी। स्टेप वन में क्या आएगा जी, आपका टॉपिक आएगा, सब्जेक्ट आएगा, या किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उस वो चीज आएगा। सेकंड क्या आएगा जी, कंटेंट, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड करना है, टाइप ऑफ कंटेंट, कि इमेजेस ऐड करनी है कि वीडियो ऐड करना है। ओके, इसको आप टाइप ऑफ कंटेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद इंक्लूड करना है, वो कंटेंट इंक्लूड करना है, ऐड करना है, या हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है। वैसे अगर आपको मालूम है तो तब ये प्रोसेस फॉलो करने का, ये स्टेप फॉलो करने का जरूरत नहीं है, आप फोर्थ नंबर पे जा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे सिर्फ सिंपल सी बात है, सीधा प्रैक्टिकल की बात है, कि पहले कंटेंट को ऐड करना है। इस तरह से कंटेंट ऐड कर दिया, उसके बाद देखना है डिजाइन की बात, कि डिजाइन, फॉर्मेटिंग, डेकोरेशन, क्या कलर करना है, ये डेकोरेशन उसकी बात है, पहले कंटेंट ऐड कर लिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास अब देखना है हमने कि क्या इफेक्ट देना है, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये नहीं कि पहले कलर कर लेना है, क्योंकि कलर से फिर हो सकता है वो प्रभाव उसका, फिर कलर ऑडियंस के हिसाब से लेना है। अगर बिजनेस या एजुकेशनल कंटेंट है तो आप ब्लू कलर मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड है तो आप ऑरेंज कलर, रेड कलर यूज कर सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड है तो आप मेडिकल लाइन का जो भी कलर्स होता है या लाइट ब्लू आप यूज कर सकते हैं, या एनी अदर जो भी कलर्स उस ऑडियंस के हिसाब से प्रेफरेबल है। ओके, एंड दैट्स द गुड थिंग। एंड यहां पर भी आप इसी पे डबल क्लिक करेंगे एंड वहां पर स्मार्ट आर्ट ऊपर डिजाइन खुल जाएगा, यहां से चेंज कलर्स आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, जो भी आप कलर चेंज करना चाहे यहां पर कलर्स उसको दे सकते हैं, और हर एक प्रोसेस का एक अलग कलर भी दे सकते हैं। मैनुअली भी आप इसको सिलेक्ट करके इसका कलर चेंजेस कर सकते हैं फॉर्मेट में जाके, शेप फिल, ये देखिए इस तरह से, जरूरी नहीं है जो यहां पर दिए वही हम यूज कर सकते हैं। सो ये हो गया कि कंटेंट को उसके बाद हमने क्या करना है, ऐड करना है, डिजाइन एंड फॉर्मेट करना है, फिर स्लाइड की ट्रांजिशनल इफेक्ट देना है। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जब परिवर्तित होती है तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। सो ट्रांजिशन मतलब स्विच होगी जब एक से दूसरे में, तो जैसे फेड कर दिया, पुश कर दिया, ये एक बेसिक ऑप्शन है। यहां अप्लाई टू ऑल कर दिया, सबके लिए अप्लाई हो जाएगी। कैसे अप्लाई होगी, एडवांस स्लाइड माउस क्लिक से होगी कि आफ्टर होगी? सो मैंने इसको मान लो ऑन माउस क्लिक कर देता हूं, अगर तो मैंने इसको डिलीवर करना है बाय क्लिक किसी मीटिंग में, और एक एक करके मैंने स्लाइड चलानी है और फिर उस पे मैंने अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए माउस क्लिक बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर ऑटोमेट करना है, एकदम से दिखाना है, तो आप यहां टाइमिंग रख ले दीजिए कि कितनी देर में बंदे को ये समझ आएगा। तो मान लीजिए 2 सेकंड आपने कर दिया, एंड अप्लाई टू ऑल कर दिया कि सभी के लिए 2 सेकंड का समय है, एक स्लाइड 2 सेकंड के लिए स्क्रीन पर रहेगी। इसको रन करते हैं, F5 इसका शॉर्टकट है, ये पहला स्लाइड आ गया, अब उसके बाद ये दूसरा स्लाइड आ गया, ऐसी करके आप उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया ट्रांजिशन। अब हमने देना एनिमेशन इफेक्ट, कि जब ट्रांजिशन हो जाएगा, यानी कि जब स्विच हो जाएगा, यहां से इधर को आ जाएगा, तो यहां क्या इफेक्ट देना है, या जो पहले बार जब हम इसको प्रेजेंटेशन को चला रहे हैं, आप देखिए ये चला, अभी कुछ हरकत नहीं हुआ, सिर्फ एक स्लाइड ऊपर को आ गया, फिर दूसरा स्लाइड आ गया। अब हम इसमें हरकत, कहने का मतलब है कि मैं एक्शन इसमें ऐड करूंगा। ये देखिए यहां पे डबल क्लिक किया, या नहीं भी करेंगे कोई टेंशन नहीं, उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद ऐड एनिमेशन में जाना। यहां ऑलरेडी एनिमेशन दिया है, यहां लिखा हुआ एनिमेशन, और यहां से जो भी बढ़िया लगे एनिमेशन उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर दी ऑडियंस और एज पर दी आपका जो भी टॉपिक है, उसमें जचनी भी चाहिए वो चीज ना। और इस तरह से आपके पास आ गया। जब ये आ गया, उसके बाद एनिमेशन पेन करके एक ऑप्शन होती है, यहां पर क्लिक करना, इधर से साइड बार ओपन हो जाएगी। फिर यहां पर भी एक ऑप्शन है कि माउस क्लिक से एनिमेशन चलनी चाहिए कि ऑटोमेटिक चलनी चाहिए। सो ऑटोमेट करने के लिए आप इसको स्टार्ट विद प्रीवियस कर दीजिए, इट मीन कि विद जैसी स्लाइड चलेगा वैसे ये भी रन होगा। आप रन करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन इस तरह से आपके पास सामने आ जाएगा। फिर आप इधर, और ऐसे कर करके आप अलग अलग
स्लाइडों में इफेक्ट देते जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, इनको आप चेक करेंगे तो आपको ये हरेक को चेक करो, हरेक को देखो, उसकी प्रैक्टिस करो और आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन सा किस तरह का हम बना सकते। उसके बाद हमने देखना है, प्रीव्यू हमने देख लिया, फिर है प्रेजेंटेशन का ड्यूरेशन कि कितनी देर का प्रेजेंटेशन बना है। तो अभी अगर हम इसको रन करते हैं तो अभी आप देखिए कि 5 सेकंड से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 2-2 सेकंड हमने उसमें दिए हैं एंड बाकी कुछ एक ये हो गया, तो ये 4 सेकंड के आसपास यानी कि 4 से भी पहले ये खत्म हो गया। तो हो सकता है आपके पास जो प्रेजेंटेशन है, जो कंटेंट आपने डिलीवर करना है, वो 1 घंटे का हो। अब आप अगर एक ही प्रेजेंटेशन में उस पूरे कंटेंट को रखेंगे तो आपको 5-5 मिनट करके या 10-10 मिनट करके 10 दिन तक में, 10 दिन में या 10 बारी आप उसको रन करेंगे तब जाके वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, या एक ही घंटे में वो डिलीवर करना है तो फिर वो कैपेसिटी की बात है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात है। बट उसका जो टाइमिंग है प्रेजेंटेशन का, जो बढ़िया टाइमिंग रहती है, वो 5 से 10 मिनट है, क्योंकि इससे ऊपर का तो समय मतलब एक्स्ट्रा है, फिर वो समझ नहीं आएगा, या अगर क्लास है तो फिर बच्चे तो सुनेंगे ही। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कंटेंट को कितना डिलीवर करना है, क्योंकि चलो आप 1 घंटे का कंटेंट है तो उसको पहले 5 मिनट का डिलीवर कर लीजिए, उस 5 मिनट में परफॉर्मेंस देख लीजिए, फिर सेकंड डे जो आप स्लाइड है वो आप नेक्स्ट से मूव कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहली वाली स्लाइड्स को आप ऑटोमेट कर दीजिए या पहली वाली स्लाइड्स को रिमूव कर देना, फिर वो नेक्स्ट डे वहीं से चलनी चाहिए 5th से, या उसकी सेव एज कॉपी कर लेना डिलीट करने के बाद। तो ये हो गया। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है सेव एज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सेव एज PDF, सेव एज वीडियो। देखो यहां पर एक नई चीज आपको समझ आएगी, वो है PPSX डॉट। ये तब होती है जब हमने डायरेक्ट बिना पावर पॉइंट ओपन किए हुए प्रेजेंटेशन चलानी है, कि कहीं इवेंट में आपने चलानी हो तो आप इसको इस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, हालांकि अपने पास दोनों कॉपियां रहनी ठीक रहती है। ये सेव एज पे जब आप जाएंगे, ये मैं दिस PC करके डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, एंड यहां पर मैं ये प्रेजेंटेशन प्रोसेस बना, यहां पर मेरे पास सेव एज टाइप आ रहा है, डिफरेंट टाइप से। आप इसके बारे में स्टडी करें, अगर आप IT के स्टूडेंट से तो आपको इन सब चीजों के बारे में गूगल करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि होता क्या है ये, कि क्या क्या चीजें, अगर आप बेसिक भी सीख रहे हैं, एंड ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि जो जरूरी है इसमें वो ये है कि PDF, कि ये प्रेजेंटेशन को एज अ PDF भी मैं सेव कर सकता हूँ। देखिए सेव एज टाइप PDF आ गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट शो रखना है तो पावर पॉइंट शो आप सिलेक्ट कर दो, एंड देन मैं उसको यहां पर सेव कर देता हूं। अब आप देखेंगे क्या फर्क है इसमें और पावर पॉइंट शो को अगर हम करते हैं। ये यहां पर प्रेजेंटेशन प्रोसेस आ गया, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा पावर पॉइंट ओपन नहीं होगा, स्लाइड चलेगा, वो आपका प्रेजेंटेशन रन होना शुरू हो जाएगा। तो एक PPSX जो एक्सटेंशन है, ये पावर पॉइंट फाइल टाइप की है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के अलावा आप एज अ पावर पॉइंट सेव कर सकते हैं, जो कि होता ही है बेसिक तौर पे भी। और दूसरा है वीडियो, वीडियो के लिए यहां पर MPEG आप ले सकते हैं, यानी कि MP4 वीडियो, फिर वो सेव हो जाएगा, एज अ वीडियो सेव हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी YouTube वाला दिखाया था, उस तरह से आप उसको सेव कर सकते हैं। ये यहां से ये इधर है MPEG 4 वीडियो, ये सिलेक्ट करना और वो वीडियो तैयार हो जाएगा। सेव पे क्लिक करना आपने, और यहां सेव होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस प्रेजेंटेशन का वीडियो बन जाएगा। जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो पावर पॉइंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए वो चीज बढ़िया रहेगी। ये हो गया ना जी। अब मैं इसको मिनिमाइज करके देखो आपको वीडियो दिखाता हूं। ये देखिए, इस पे माउस ले जाओ, वो टाइप दिखाएगा उसका, नहीं दिखा रहा तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए, या आप दोबारा इस पे माउस ले जाओ। ये देखिए 1 MB MP4 टाइप, MP4 फाइल, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मीडिया प्लेयर में रन होएगा। ओके, सो जो भी इफेक्ट आप दे रहे हैं, ये एक वीडियो बन गया। अब आप इसको चाहे व्हाट्सएप पे शेयर करो, चाहे इसको रील्स में डालो, चाहे जैसे भी करना है। आप इसके अंदर ना केवल प्रोफेशनल चीजें कर सकते हैं, बट पर्सनल चीजें भी कर सकते हैं। और ये एक प्रोसेस है जो सेव तक का मैंने आपको बताया है, आपको एक और प्रोसेस बताता हूं। वो प्रोसेस थोड़ा शॉर्टकट है एंड उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव है, जो बिल्कुल ही नहीं जानते, जिनके पास समय नहीं है प्रेजेंटेशन बनाने का, या उनको क्विकली बनाना है, तो फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, और यहां पर आपके पास बने बनाए प्रेजेंटेशन है ऑलरेडी पहले से। आपको जिस टाइप का चाहिए, एजुकेशन का चाहिए तो एजुकेशन पे क्लिक करो, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी स्लाइड्स है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो सारे आपके सामने है। इसमें से अगर आप जैसे मान लीजिए 5th क्लास से छोटे बच्चों को बता रहे हैं तो आप ये वाला रख लो, ये वाला रख लो, ठीक है। बड़े बच्चों को बता रहे हैं आप, IT स्टूडेंट्स को बता रहे हैं तो ये रख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से कोई अदर हाई क्लासेस के स्टूडेंट है तो आप ये रख लीजिए। तो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, कोई फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो उस हिसाब से प्रेजेंटेशन मिल जाएगा आपको, और टेम्पलेट मिल जाएगा। आपने उस पर क्लिक करना है, क्लासरूम टाइमर की बात हो रही है जैसे 30 सेकंड, एंड यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, के अलावा यहां से क्रिएट पे क्लिक करना, तो फिर ये जो प्रेजेंटेशन है ये बने बना के आपके पास आ जाएगी, ये इस तरह से।
एंड उसके बाद आपके पास डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे कि आप उनमें कैसे चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं, इफेक्ट देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बना बनाया है हर चीज। एंड अगर हम इसको रन करें तो हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से बनाई होगी। स्पेस क्लिक प्रेस करेंगे तो आपका देखिए टाइम चेंज हो रहा है, 1 मिनट में ये चीज सिखा रहे हैं, टाइम लिमिट 2 मिनट्स, ये जो भी टॉपिक है, एंड इस तरह से ये प्रेजेंटेशन चल रही है। तो आप स्कूल्स में बच्चों को सिखाने के लिए, कॉलेज में बच्चों को सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वयं के सब्जेक्ट्स को क्लेरिफाई करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर पॉइंट के क्या यूज है, यहां मैंने इस आर्टिकल में लिंक दिया है, 6 टाइप की यूजेज है, जितने भी होते हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसको भी जरूर देख लेना। ये टेम्पलेट का प्रोसेस बता दिया आपको कि टेम्पलेट इंसर्ट करना और इस तरह से उसको कंटेंट चेंज करना, और अगर मैन्युअली बना रहे हैं, अगर एज अ स्टूडेंट बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो पहले इस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है, इसका क्या इस्तेमाल है, क्यों ये सीखनी जरूरी है, तो इस लिंक पे जाना, यहाँ लिखा है प्रेजेंटेशन इज एन एसेंशियल स्किल्स, ये 2018 में मैंने लिखा था, इसको आप जरूर पढ़े। एंड इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझ आएगी कि रोल क्या है प्रेजेंटेशन का, क्यों प्रेजेंटेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है हर आईटी प्रोफेशनल के लिए और हर व्यक्ति के लिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। धन्यवाद।